भाई मैं एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर जिसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, जिसमें मैं बताया था आर्मी भर्ती के बारे में। आर्मी भर्ती नहीं आ रही है और रैली कराई जा रही है। अभी चुनाव 2022 में होने वाला है तो उसको नहीं पोस्टपोन्ड किया जाएगा, उसको तो उसी डेट पर करा दिया जाएगा। तो भर्ती को लेकर मैं वीडियो बनाया था और उस वीडियो को यूट्यूब से मैं डिलीट कर चुका हूँ। और अभी मैं आप लोग को सब कुछ बता रहा हूँ कि मैं वीडियो क्यों डिलीट किया हूँ। देखो भाई मैं सब कुछ सही बताया हूँ सभी भाई, मतलब इधर के देखो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो यहाँ के कुछ भाई ग्राउंड पर बुलाया है, सब सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे बोले हैं कि आखिर हम लोग की कब तक मतलब इस तरह दौड़ते रहेंगे ग्राउंड पर आकर। अभी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, इस तरह अगर चुप बैठेंगे तो ये साल भी बीत जाएगा, क्योंकि नवंबर महीना चला है और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सभी लोग बोले थे हम लोग चक्का जाम करेंगे, ठीक है ना, उसी को लेकर मैं एक वीडियो बनाया था। और उसमें पता है मैं गलती क्या कर दिया था? देखो भाई मैं ये बात मानता हूँ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सभी लोग साथ दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यही गलती किया था उस वीडियो में ना, एक भाई का नंबर दे दिया था और मैं आप लोगों से बोला भी था यार देखो आप लोग परेशान भाई, हम लोग सवाल का जवाब चाहिए, सवाल के जवाब के लिए जो कुछ भी करेंगे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि हम लोग की भर्ती कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, अगर कराई जाएगी तो किस डेट को कराई जाएगी, अगर नहीं भी कराई जाएगी तो बता दो कि इस साल भर्ती नहीं कराई जाएगी, हम लोग जाकर ग्राउंड पर दौड़ेंगे नहीं। बस यही सवाल का जवाब चाहिए, इसी सवाल के लिए हम लोग चक्का जाम करने वाले थे और मैं वीडियो बनाया था और उसमें मैं नंबर दे दिया था। तो यार आप लोगों को मैं बताया भी था आप लोग परेशान नहीं करना, फिर भी यार 44 मिनट हुआ है, 44 मिनट में आप लोगों ने सपोर्ट तो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया है, 1500 लोग देखे हैं, लेकिन यार आप लोग एक फ़ोन कट रहा था तो एक फ़ोन आ रहा था, एक फ़ोन कट रहा था तो एक फ़ोन आ रहा था। अब मान लो यार आप एक हो, आप सोचोगे यार मैं बात कर लूँ, फिर वो बंदा आप मान लो 45,000 लोग जुड़े हो, सब लोग सोचेंगे मैं बात कर लूँ। तो ऐसे यार पता है जैसे ऐसा भी नहीं था कि लोकल एरिया के मतलब लोग थे वहाँ पर आने में जो सहायता देंगे सब, ऐसे लोग नहीं थे, फिर भी यार बार बार फ़ोन करने लगे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो को डिलीट कर दिया हूँ। तो उसको आप लोग बुरा नहीं मानना, देखो कल संडे है, कल कुछ नहीं हो पाएगा, मंडे को हो सकता है हम लोग DM ऑफिस पर जाएंगे और अब क्या करें यार, हमारे हाथ में जो है वो करेंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कितना भी परेशान होऊंगा अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब तक भाई सभी लोग मिलकर साथ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अब DM ऑफिस पर जाएंगे, वहां पूछेंगे, हमारा बस हमको जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हम लोग अगर कन्फर्म बता दो, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारा अफवाह भी फैल रहा है, रोज रोज एक डेट निकल रहा है, रोज रोज पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो हम लोग अपने सवाल के जवाब के लिए बस जाएंगे, कल संडे है, कल कुछ नहीं होगा, अब मंडे को अगर भाई हमको मतलब साथ देंगे सब, साथ चलेंगे सब, तो जाकर पूछेंगे, ठीक है ना। अब DM ऑफिस पर जाएंगे, वहाँ जो कुछ भी होगा आप लोग को बताएंगे, बाकी आप लोग मेहनत करते रहो और अपने दिमाग में कभी देखो मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, आप लोग हमसे जुड़े हो तो हमें अपने माध्यम से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग हमारा साथ दोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, कोई भाई मतलब कुछ भी करना चाहते हो, हमारा साथ चाहिए तो मैं साथ दूंगा, ठीक है ना, जहाँ तक होगा, अगर अच्छा काम करोगे तो मैं साथ दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, और वीडियो डिलीट करने का बस एक ही मतलब है, अब जो करना रहेगा हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जाएंगे वहाँ DM ऑफिस पर पूछेंगे, मंडे को जाएंगे, अब देखते हैं हमारे सवाल का जवाब क्या मिलता है क्या नहीं होता है। वैसे तो बस एक हमको पता है एक बहाना मिलेगा, कोरोना है, जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर भाई सपोर्ट करेंगे सब, साथ देंगे सब तो बहुत कुछ होगा, अगर नहीं साथ देंगे सब तो मैं भी चुप हो जाऊंगा भाई, मुझे भी देखो मैं भी अपना जिस तरह तैयारी सब लोग करते हैं मैं भी उस तरह तैयारी करूंगा, आप लोग साथ दोगे तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, साथ नहीं दोगे तो फिर मैं भी चुप बैठ जाऊंगा, क्या करूंगा यार, अकेले नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो इसलिए भाई जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग अपना तैयारी करते रहो। देखो मेरा इंस्टाग्राम ID है नीलेश भाई वन, उस वहाँ से आप लोग मैसेज करना, 2-3 दिन बाद रिप्लाई करूंगा, लेकिन करूंगा, ठीक है ना। देखो अभी आप सभी लोगों को बताओ, देखो अभी मुझे भी पेपर देना है, 20 तारीख को मेरे स्कूल पर पेपर है, 22 तारीख को SSCGD का पेपर है और आसाम राइफल का 8 जनवरी का पेपर है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी परेशान हूँ यार, कुछ समझ नहीं आता है NCC करूँ या SSCGD का देखूँ या आसाम राइफल का देखूँ, इधर खेती बाड़ी भी करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी की वजह से थोड़ा जैसे बात मान लो फ़ोन करोगे आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आ जाएगा ना, इसलिए बात नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि बहुत घमंडी है, ठीक है ना। अगर टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा नीलेश भाई के नाम से और इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूंगा नीलेश भाई वन के नाम से है, तो आप लोग मैसेज करना भाई, वहाँ से टाइम मिलेगा तो बात कर लूँगा।
चलो ठीक है भाई लोग, जो करना रहेगा अब हम लोग करेंगे। कल संडे है, मंडे को जाएंगे, अब देखेंगे हम लोग का सवाल का जवाब चाहिए नहीं तो अब जो करना रहेगा वो करेंगे, ठीक है ना। वीडियो डिलीट करने का बस एक ही रीजन है, नंबर उसमें था, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया सब, इसलिए मैं वीडियो ही डिलीट कर दिया हूँ। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद।